हम लोग कब पहनने वाले हैं अपनी एनिवर्सरी वाला कपड़ा? बैठे हुए हैं रेत पे। एक बोला दे, यहाँ पे इस तरीके के भेल को जाल मुड़ी बोलते हैं। तो गाइस हम लगभग 2 घंटे से नहा रहे थे और अब बारिश होनी फिर से स्टार्ट हो गई है, तो अब हम जा रहे हैं वापस। आ चुके हैं काले पीले होके रूम में और थोड़ा सा तो स्किन गया, टैनिंग आ गई क्योंकि बहुत धूप हो भी चुका था। तो हम पानी से बाहर निकले तो बारिश स्टार्ट हो गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो पूरे के पूरे और भीग गए। फिर आज मैं 2 या 3 बार चाय पी चुकी है, नाश्ता भी कर लिया है लेकिन अभी तक के खाना नहीं खाया है। अभी बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है और आ गए हैं हम अपने रूम पे। तो जाते हैं हम नहाएंगे, तो मेरे हस्बैंड अभी नहाने गए हैं, फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए और उसके बाद देखते हैं या तो खाना खाने जाएंगे या तो हम रेस्ट करेंगे। अभी हो रहा है शाम का टाइम और समुद्र में नहाने के बाद हम इतने ज़्यादा टायर्ड हो गए थे कि हमने खाने के लिए भी वेट नहीं किया, हम सो गए थे क्योंकि नाश्ता हमने लेट से किया था तो उतनी भूख भी नहीं लग रही थी। फिर हमने सोचा कि पहले रेस्ट कर लेते हैं फिर हम शाम को निकलेंगे और कुछ कुछ खा लेंगे बाहर, ऐसा सोच के हमने लंच नहीं किया था। और फिर हम उठ गए, हम रेडी हुए, फिर हम चले गए मार्केट की साइड क्योंकि हम जहाँ पे रुके हुए हैं ना वो गोल्डन बीच है सामने, हम लाइट हाउस रोड पे रुके हुए थे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारा जो होटल है मीन जहाँ हम रुके हुए थे वो बीच से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हमें ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ता था, बस हम जैसे रोड क्रॉस करते थे वैसे ही गोल्डन बीच आ जाता था। पूरी में बारिश वाला मौसम था इसीलिए यहाँ पर जितने भी आपको स्टॉल दिख रहे हैं मीन्स मार्केट जैसा रहता था वो तो यहाँ पर लगा ही नहीं था, हर जगह सिर्फ सी फूड मिल रहे थे। यहाँ के जो लोग हैं वो शायद सी फूड ज़्यादा खाते होंगे बट हम बिल्कुल भी नहीं खाते, तो हमें खाने के लिए बहुत सर्च करना पड़ रहा था कि कहाँ पे क्या खाएं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके का यहाँ पे मार्केट पूरे बीच पे लगा होता है बट यहाँ पे सिर्फ गिनी चुनी ही दुकानें ओपन थी। और जितनी भी शॉप्स मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा पा रही हूँ ना सिर्फ उतनी ही शॉप्स ओपन थी, अदरवाइज़ यहाँ पर तो इतना मेला जैसे लगा रहता है। एंड इस बार पहली बार ऐसा हो रहा था कि हमारे पास खाने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 बजे का और हम आए हुए हैं अभी बीच पे। कब पहनने वाले हैं अपनी एनिवर्सरी वाला कपड़ा? तो अगर हो सके तो आज तो नहीं पहन सके, कल अगर मौसम अच्छा रहेगा तो कल हम पहनेंगे अपना न्यू, मतलब मैं अपना न्यू ड्रेस पहनूंगी, अपनी न्यू शर्ट पहनूंगी। दिन में बीच में आओ तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बट हवा तो चलते ही रहती है, बट शाम के समय यहाँ पर कितना अच्छा लगता है। तो गाइस हम बैठे हुए हैं रेत पे और यहाँ पे कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है और समुद्र की तो आवाज़ आप सुन ही सकते हो। जगन्नाथपुरी के बीच पर ही आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऊँट और घोड़े जिस पे लोग सवारियाँ करते हैं। अभी तक हमने खाया है चाउमीन गोलगप्पे, अब मैं खा रही हूँ यहाँ पर झाल मुड़ी। यहाँ पे इस तरीके के भेल को झाल मुड़ी बोलते हैं। मदन मोहन रसगुल्ला भाई मदन मोहन ठीक है। एक बोला दे एक का मदन हाँ फिर हमने खाई ये वाली मिठाई, तो जो आप लंबा सा देख रहे हो ना उसको बोलते हैं मदन मोहन करके, और ये वाइट वाला जो था वो था रसगुल्ला। तो यहाँ की मिठाई बहुत टेस्टी होती है और हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और एक मिठाई सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए की मिलती है। जब भी हम बाहर जाते हैं तो बाहर की हर चीज़ थोड़ी थोड़ी ट्राई ज़रूर करते हैं। फिर खाया हमने यहाँ का स्वीट कॉर्न।